हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रियल लिटरेचर एंड ट्रैंडम वीडियोज़ बाय नेहा सुल्ताना आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रोमांटिसिज़म इसमें हम देखेंगे डेफिनेशन उसका हिस्ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पोइट्री तो ये जो ये जो पीरियड था 1798 में स्टार्ट हुआ था और एंड 1824 में हुआ था पहले हम लोगों को ये समझना है कि रोमांटिसिज्म क्या है रोमांटिक पीरियड क्या था उसके मतलब एक एक जो चीज़ रहती ना पहले हम उस चीज़ को समझना चाहिए कि रोमांटिक रोमांटिसिज्म किस किन चीज़ों पे आ, बेस था वॉट इज़ रोमांटिसिज्म शुरुआत करेंगे डेफिनेशन ऑफ रोमांटिसिज्म से तो रोमांटिसिज्म जो था रोमांटिसिज्म किस चीज़ को रेफ़र करता था बोले तो आर्ट लिटरेचर और म्यूज़िक किस समय में नाइन्टीन सेंचुरी में ठीक है रोमांटिसिज्म रेफर्स टू अ मूवमेंट इन आर्ट लिटरेचर एंड म्यूजिक ड्यूरिंग द नाइनटीन सेंचुरी रोमांटिसिज्म इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द बाय द फाइव आई

Artists created paintings far more dreamy and imaginary than neoclassical artists, and were often narratives. Additionally, Romanticism paintings uh, appeal to the uh, emotions of uh, uh, emotions of uh, 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 trepidation and awe through uh, nightmarish uh, narratives and awe-inspiring natural shots. पिछले साइड में हम पढ़े कि रोमांटिसिज्म जो है रिवॉल्ट अगेंस्ट एनलाइटमेंट था राइट तो हम इस इस स्लाइड में हम देखेंगे डिफरेंसेस को कैरेक्टरिस्टिक्स मेन फोकस एनलाइटमेंट और रोमांटिसिज्म का क्या था आ, तो स्टार्ट करते हैं एनलाइटमेंट से तो मेन फोकस एनलाइटमेंट का डिस्कवरिंग नॉलेज और एम्फसाइजिंग रेशनल रीजनिंग था एंड रोमांटिसिजम में फ्री एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस एंड ह्यूमन सब्जेक्टिविटी था एटमोलॉजी एनलाइटमेंट का ओल्ड इंग्लिश व्हिच मीन्स टू इल्यूमिनेट यानी कि रोशनी करना और रोमांटिसिज्म में एथेमोलॉजी एटीमोलॉजी uh, क्या था बोले तो इंग्लिश रोमांटिक एंड फ्रेंच रोमांटिक विच इज़ एन एडजेक्टिव फॉर ब्यूटी फाउंड इन नेचर ठीक है ज़्यादा यहाँ पर जो रोमांटिसिज्म uh, में uh, जो uh, किस यहाँ का एटमोलॉजी uh, मतलब ब्यूटी uh, जो नेचर में पाई जा, जाती हो उसको वॉट इज कॉन्ट्राडिक्टलाइटमेंट में मिडल एजस एम्फोसिस ऑन रिलीजन एंड सुपरस्टिशियस बिलीव्स तो मिडल uh, तो मतलब एनलाइटमेंट की कॉन्ट्राडिक्ट क्या थे बोले तो मिडल एज़ जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था रिलीजन को और सुपरस्टिशियस बिलीव्स को यानी कि आप इसे मिथ भी कह सकते हैं और uh, एक तो धर्म था और दूसरा सुपरस्टिशियस बिलीफ्स और देखा जाए रोमांटिसिज्म में तो एनलाइटमेंट्स एम्फोसिस ऑन रीज़न एंड एंड मतलब यहाँ पर जो है ज़्यादा रीज़न्स यानी फैक्ट्स को ज़्यादा जो है और, क्या बोलते हैं तोज्जो देते थे और रैशनल परस्यूट्स को और ये टाइम कब था बोले तो एनलाइटमेंट का लेट सेवेंटीथ टू एटीनथ सेंचुरी और रोमांटिसिज्म लेट एटीनथ सेंचुरी ठीक है और यहाँ पर मोस्ट रिलेटेड फील्ड एनलाइटमेंट का क्या था बोले तो मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड अदर नेचुरल साइंसेस और रोमांटिसिज्म uh, का आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज सम ऑफ द की प्रोपोनेंट्स एनलाइटमेंट एज के क्या थे बोले तो डस्कार न्यूटन बेकन लॉक वोल्टायर एंड रोश्यो और यहाँ पर कौन थे बोले तो uh, गोथी Uh, wordsworth, coleridge, byron, ramsey, and and, and uh, I, I may not pronounce this correctly, but i'll try to pronounce it right. okay, you uh, brand. i guess it is right or wrong. i don't know. relevant statements, enlightenment, h.k. i think, therefore, i am dare to know. इसका रिलिवेंट स्टेटमेंट्स तो एनलाइटमेंट में आई थिंक देयर फोर आई एम इसको मतलब इसका ओरिजिनल आई गेस कॉ गीतो एरगोसम है कौी तो एरगोसम तो जिसका मा, माना है आई थिंक देर फोर आई एम डे टू नो और uh, वही रोमांटिसिज्म में द आर्टिस्ट फीलिंग इज हिज लॉ रोमांटिसिज्म थ्री की मोटिवस क्या थे बोले तो सेलिब्रेशन ऑफ नेचर एम्फेसिस ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और सीइंग मैजिक इन दंड ये था रोमांटिसिज्म के थ्री की मोटिव्स रोमांटिक एज विच स्टार्टेड इन 1798 and ended in 1824 uh, it was a revolt against classical school of thought wordsworth Coleridge, baron shelley and keats belong to this period romanticism started with the publication of lyrical ballad 1798 a book on the nature and uh, scope of poetry by wordsworth uh, and uh, 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 so lyrical ballad is a contribution of both uh, wordsworth with a uh, major works and uh, and uh, uh, Samuel Taylor Coleridge with uh, with four uh, with four poems, I guess. Unlike classicism, simplicity of a style and addiction became the order of the. Day. They started depend on. Uh, uh, they started to depend on poetic imagination instead of fancy. They used common language in poetry, a language used by rustics. They disliked the artificial way of town. Like talked about common and rustic people. Uh, there was an inevitable role of imagination and emotion in romantic poetry. It was the period of political and social revolutions. French revolution was also looming. Uh, so there was, uh, there was American. Uh, war of independence uh, here uh, liberty of a nation from foreign domination represents liberty of a poet from tyranny of literary rules set in 18th century okay and romantics looked back of elizabethan masters like shakespeare and spencer for guidance so i hope you all enjoyed this video about romantic age the knowledge i gave uh, uh, i hope that is very uh, useful for you all if you really like this video then uh, do subscribe to my channel and uh, press the bell icon and uh, thank you for watching this video and see you in the next video bye bye